जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत है और आज हम सब के बीच में गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड संगत हैं नारायण भारद्वाज अंकल जी। तो नारायण भारद्वाज अंकल जी का भी बहुत बहुत वेलकम। अंकल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस जूम प्लेटफॉर्म। एंड संगत जी, आज सुरेश वासन अंकल किसी वजह से ही इज नॉट एबल टू होस्ट द सेशन एंड हेंस गुरु जी हैज गिवन मी दिस सेवा फॉर विच आई एम मोस्ट ग्रेटफुल। शुक्राना गुरु जी महाराज का एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑल द संगत। नारायण अंकल जी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गुरु जी के साथ आपके जो हसीन पल और मेमोरेबल एक्सपीरियंस जर्नी रही है, सभी संगत सुनने के लिए बेचैन है। और बिफोर आई यू नो लेट यू बिगिन योर जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस एंड सत्संग्स विद गुरु जी महाराज, आज का वचन जो गुरु जी का है और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस पे कुछ लाइट डालिए अपने हिसाब से, जो आप समझते हैं उसकी व्याख्या है या जो आपके एक्सपीरियंस से आपने गुरुजी के साथ रहते हुए समझा है, हम सभी के साथ शेयर करिए। अंकल जी, आज का जो वचन है गुरुजी का वो है, माला कदे फेरनी नहीं चाहिए, खास करके इंडेक्स फिंगर नाल ते कदी भी नहीं फेरनी चाहिए। गुरुजी कहंदे सी माला फेरन नाल अहंकार आंदा है एंड इंडेक्स फिंगर तो ईगो की निशानी है। सो ओवर टू यू अंकल जी, वंस अगेन नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आंटी, जय गुरु जी, सभी संगत को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जो गुरु जी का वचन है और जिसमें कहा गया है कि माला कदे फेरनी नहीं चाहिए, तो जो माला हम जाप करते हैं जैसे माला से, तो वो उसके लिए है। और उसमें क्या है कि जब हम किसी चीज का दिखावा करते हैं और जो हमें समझ में आ रहा है, तो उससे क्या है कि हमारी ब्लेसिंग हट जाती है। और एक जो चीज इसमें महाराज ने बोली हुई है, इंडेक्स जो इंडेक्स फिंगर है, जो अंगूठे के नेक्स्ट फिंगर है, उसको इंडेक्स फिंगर हम बोलते हैं। तो उस फिंगर का उपयोग अगर हम इसमें करते हैं, तो इससे ये गुरु जी महाराज ने कहा है कि ये ईगो की फिंगर है, अहंकार जिससे हमारा बढ़ता है, तो इसका उपयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और अगर हम कोई भी जाप करें और अगर हम बिना माला का करें, शायद उसका कई गुना हमारे ऊपर असर पड़ेगा विदाउट एनी निगेटिव फीलिंग लाइक अहंकार, ईगो, जो सेल्फ को करता है कि अगर आप सपोज अगर आप माला जाप कर रहे हैं, हमने कितना किया, हमने एक किया, दो किया, हमने 100 माला रोज कर रहे हैं, तो एक अपने अंदर ही एक अहम आ जाता है। अगर आप केवल महाराज का जाप अगर हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, अनंत बार कर रहे हैं, उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग मैं समझता हूँ कि महाराज के हिसाब से अनंत है। और अपनी ईगो को कंट्रोल में करना चाहिए। ईगो बहुत ही तरह से आती है आदमी के अंदर और एक जाप के द्वारा भी आ सकती है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये महाराज के कहे हुए शब्द हैं, इनका हमको पालन करना चाहिए। और वैसे हमारे यहाँ पे भी हमारे जो बड़े थे वो भी बोलते थे कि जब भी आप कोई माला का जाप करते हो, तो जो हमने सुना था छोटेपन में कि जो इसको इंडेक्स फिंगर कहा गया है महाराज के द्वारा, उसको टच नहीं करना चाहिए। नहीं कहते ना, उसके टच होने से आपकी पूरी पूजा जो है निरर्थक बेकार हो जाती है। तो ये महाराज के कहे हुए शब्द हैं, तो हमको पालन करना चाहिए। जय गुरु जी। बिल्कुल जय गुरु जी अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गुरु जी का जैसे आपने कहा, यही कहने का मतलब था कि दिल से जाप करो। अगर आपका ध्यान गिनती में रहेगा तो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं जा सकता।
जब आप टोटली परमात्मा की तरफ ध्यान में है तो आपकी गिनती आप यू विल नॉट बी फोकसिंग ऑन द नंबर्स. सो एक तो मेरे हिसाब से ये भी मेन रीजन, और दूसरा जैसे गुरुजी के लिए अहंकार जो था बहुत ही बड़ा चीज थी कि इंसान में अहंकार किसी भी चीज से नहीं आना चाहिए. आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग पूजा पाठ करने का भी अहंकार आ जाता है, सेवा करने का भी अहंकार आ जाता है, माला जपने का भी, आज मैंने इतनी जपी उस बात का भी अहंकार आ जाता है. और गुरुजी से पहले हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, हम लोग नहीं समझते थे इस चीज को, बट गुरुजी जिस काम के लिए आए थे हमें सही रास्ते पे डालने, हमें नीवा करने, हमें अच्छे इंसान बनाने, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दैट. और बिल्कुल हम लोग लकी हैं कि हमें गुरुजी मिले जो हमें अपने वचनों द्वारा ऐसी शिक्षा दे गए कि हम अपना जीवन सुधार सके. सो अंकल जी अब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे. आपको बोलना चाहेंगे कि जैसे अंकल जी हमारे जितने भी शास्त्र हैं, भागवत पुराण वेद, उसमें सारी चीजें संस्कृत में श्लोकों के द्वारा दी हुई हैं, ठीक है. हाँ जी. और वो संस्कृत आज की डेट में कोई समझ नहीं सकता है, तो महाराज ने सिंपल सरल भाषा में वो चीजें हमको बताई हैं, क्योंकि और बिना पढ़े हुए हम सबको महाराज के वचन को ही अगर फॉलो करें तो वो सारे शास्त्र और पुराण जितने हैं वो सारे हमको उनका लाभ प्राप्त हो जाएगा, मैं ये समझता हूँ. बिल्कुल अंकल, आपने बिल्कुल कहा कि इसी वजह से बहुत लोग जो है पूजा पाठ नहीं कर पाते थे. एक तो ये आपने कहा संस्कृत, और दूसरा पहले समझा जाता था कि सुबह उठ के सबसे पहले आप पाठ करिए या कर, बट गुरुजी ने वो भी सिंप्लीफाई कर दिया कि जब तुम पाठ में बैठो या जब मुझे पाठ ना भी करो, दिल से याद करो वही अमृत वेला. तो लाइक ही सेड, हर चीज प्रैक्टिकल कर दी, तो हम लोग सब परमात्मा से जुड़ रहे हैं. नहीं तो पहले ये काम होता था, जैसे सीनियर सिटीजन हो जाते थे तभी ये सब काम होते थे, बट गुरुजी ने यू आर राइट, एक तो अपने वचन हिंदी में दे गए हैं, इंग्लिश में हैं, सो ऑल्सो ही हैज सिंप्लीफाइड प्रेयर, प्रार्थना, गुरु की जिसे कहते हैं ना गुरुजी, परमात्मा की पूजा करना, भक्ति को बहुत ही सिंपल कर दिया गुरुजी ने. सो इवन द यंग पीपल आर कनेक्टेड. आंटी मैं एक चीज और बोलूंगा कि सही रिलेटेड है जो मेरे दिमाग में डाल रहे हैं. हाँ जी अंकल जी, अभी आपने बोला ना कि नहा के धो के ही आप पूजा करनी चाहिए, है ना, तो वो काफी लोगों ने मतलब या तो गुमराह किया या उनको उस चीज का ज्ञान नहीं था कि आप गुरु जी महाराज को, मतलब मैं जब महाराज के साथ जुड़ा और मेरे को कि आप नाम उनका लेने के लिए हर 24 आवर किसी भी समय किसी भी स्थान पे आप उनका नाम ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उनको याद नहीं कर सकते हैं, और वो याद करना उनका नाम लेना ही आपकी पूजा है, मैं ये समझता हूँ महाराज के द्वारा जो सीख मिली है. आंटी मैं गुरु जी महाराज की जो सत्संग है मैं आपसे शेयर करूंगा. सत्संग गुरु जी ने जो हमारे ऊपर कृपा की हुई है, और कहते हैं जो महाराज की कृपा होती है वो अगर आप शेयर करो तो उसका भी कल्याण होता है, और जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है. तो मेरा आज महाराज कल्याण कर रहे हैं, मैं सत्संग की जो कृपा हुई मैं आपसे शेयर करूंगा. और काफी है, लंबा है. सबसे पहले मैं जी अंकल जी आप सुनाइए अंकल जी, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम गुरु जी महाराज से किस तरह से जुड़े. तो गुरु जी महाराज गुड़गांव में आए थे, और मैं गुड़गांव में रहता हूँ, और उस समय मेरे जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पुष्करना आंटी जी हैं, तो उन्होंने मेरे घर में बोला मेरी आंटी को कि भाई गुरु जी आ रहे हैं हमारे, आप चलो वहां से. तो वो और मेरी आंटी और मेरे बच्चे छोटे थे उस समय पे, 2006 की बात है, तो वो वहां गए जिमखाना क्लब गुड़गांव में. गुरु जी आए, उन्हें पत्थर टेक का लंदन करके वो घर पे आ गए, बोले कि बहुत अच्छा लगा.
गुरु जी का मतलब तो जो सर ने सुना था कि भी गुरु जी होते हैं कोई भी, तो उनका आए ये मिलके आ गए। लेकिन उसके बाद में हमारे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं और सारे के सारे, तो सबसे पहले ये था कि हमारा जो छोटा बेटा था उस समय पे, वो काफी छोटा था और उसको मतलब बच शुरू से ही काफी ना कोई प्रॉब्लम रहती थी, और उसमें वो गोद में था और वो उसको कभी हर महीने में कोई ना कोई तकलीफ होती थी। तो मेरी आंटी को उन्होंने पुष्करणा आंटी ने गुरु जी का एक स्वरूप दिया था कि, तो एक दिन वो काफी बीमार था तो वो स्वरूप उन्होंने उसके बिलो के नीचे रख दिया। तो उस दिन वो अच्छी तरह से सोया और तो हम लोग रात रात में जाते थे उसको गोद में लेके घूमते थे और उसको कफ कोल्ड का काफी प्रॉब्लम रहता था। तो एक ये एक्सपीरियंस हुआ हमारे घर में फर्स्ट सबसे पहले। और कहते हैं ना जब गुरु जी के साये से पास, साया मतलब पास से भी कोई भी निकल जाता है उनके पास, है ना, तो कहते पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो जब सत्संग में मेरी आंटी और मेरे बच्चे गए थे गुरु जी के पास में, मैं नहीं गया हुआ था उस, तो महाराज ने पूरे हमारे परिवार को उस समय ब्लेस कर दिया। गुरु जी कहते हैं ना कल्याण कीता, तो कल्याण का शब्द का मतलब मैं बोलूंगा कि हम नहीं जानते हैं कि कितना महाराज कल्याण का मतलब क्या होता है महाराज का, जो हमको समझ में आया। अगर मैं आपके सामने जीवित हूँ और बोल रहा हूँ कि गुरु जी की कृपा है कल्याण उनके कल्याण के द्वारा ही, तो हुआ क्या कि गुरु जी के यहाँ ये लोग दर्शन करके आ गए। उसके कुछ महीनों बाद मेरा घर जो है यूपी में है, नेटिव प्लेस वहाँ पे है, मैं वहां पे गया था गाड़ी से, अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, हमने टैक्सी की थी। तो दीपावली पे सेलिब्रेट करने के बाद में उसके नेक्स्ट डे मैं वापस आ रहा था, तो मेरी सिस्टर रहती है अलीगढ़ में, मैं नेक्स्ट डे उनके यहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो जो अलीगढ़ से अराउंड 10 किलोमीटर पहले ही मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ बस से, और वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि हेड ऑन कोलिजन हुआ था, आमने सामने की टक्कर हुई थी कार की और बस के साथ में। और मैंने जो मेरे को याद है उस समय क्षण जो हुआ था कि मेरी गाड़ी बस में टकराई, घूम गई 360 डिग्री में पूरा, फिर सेकेंड टाइम फिर टकराई, फिर वापस आके 3 बार टकराई मैंने ये देखा। और जाके वो कार रोड साइड में जो गड्ढे होते हैं उससे पानी भरा होता है उसमें वो आगे के पहिए ऊपर वो बिल्कुल वर्टिकल में खड़ी हो गई। और उसका जब मैं और मेरे को उस समय सर में ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी डार्क टनल में जा रहा हूँ, और उसी क्षण के बाद मेरे को लगा मैं उससे बाहर आ गया हूँ। मैंने देखा कि एकदम, मैंने कहा कि क्या हुआ, चलो बाहर निकलते हैं। सबसे पहले हम बाहर निकले, वो विंड स्क्रीन उसकी टूटी हुई थी पूरी, उधर से हम बाहर निकले, मेरे बच्चों को निकाला बाहर और ड्राइवर वगैरह सारे लोग बाहर निकले। उसी समय बस के ही सारे पैसेंजर नीचे उतर के आ गए थे और उन्होंने जो देखा इसमें बच्चे हैं, उन्होंने सोचा था कि इसमें कोई बच्चा नहीं होगा क्योंकि इतना तेज वो 100 की स्पीड में टकराई थी आमने सामने। तो लेकिन गुरु जी की कृपा से हमारी छोटी मोटी खरोचे आई, हल्की सी चोट लगना तो अपना, गुरु जी आपका कहते ना कि 100% में से 90% तो कष्ट काट देते हैं, 10% भी आपको महसूस नहीं होते। तो वही हुआ उस दिन हमारे साथ, हमारा पूरा परिवार माना ही सुरक्षित रखा उस एक्सीडेंट में। और ऐसा अनुभव भी नहीं होने दिया कि मतलब कोई ज्यादा मेजर इंजरी हुई हो, लेकिन इतना हुआ कि उस एक्सीडेंट के बाद में मेरा मेमोरी लॉस हो गया था। मैंने फोन किया मेरी सिस्टर को, तो वो आगे तो मेरे जज लेने के लिए आगे वहाँ पे उसी लोकेशन पे, और उनको डॉक्टर के पास ले गए। और हमारा ऐसा था कि मैं किसी को रिकॉल नहीं कर रहा था, मेरी रिकॉल तो डॉक्टर और गुरु जी के पास कि मेरी आंटी के पास, उस समय भी महाराज की का स्वरूप था और मैं बोलूँ महाराज की पूरी कृपा थी कि जो भी बहुत वो समय था जिसमें कि कुछ भी हो सकता था, मतलब हमारी मौत निश्चित थी उस समय। और अगले दिन नेक्स्ट डेट अराउंड 10 o'clock
मेरा जो मेमोरी लॉस का इशू था, प्रॉब्लम था, वो महाराज ने ठीक कर दिया और हमें नॉर्मल हो गया था उस दिन। लेकिन हाँ, एक डर और वो तो लगता ही है बहुत ज्यादा। और उसके अगले दिन ही मैं वापस यहाँ गुड़गांव आ गया। गुरुजी महाराज ने हमारी सबकी रक्षा की। गुड़गांव आने के बाद में हम गुरुजी के पास एम्पायर स्ट्रीट दर्शन के लिए महाराज ने हमको कृपा की और हम एम्पायर स्ट्रीट जाने लगे। हमारे यहाँ से उस समय 15 मिनट लगते थे जाने के लिए, जो मेट्रो का फ्लाई ओवर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो हर और बस हमें ये कुछ एहसास भी नहीं हुआ कि उसमें कि जो हमारा एक्सीडेंट में हमारा जीवन बचा है वो महाराज की कृपा से बचा है। बस लगा था कि हम बच गए। जब गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी की बहुत ही तेज फ्रेगनेंस आती थी वहाँ पे। जैसे गाड़ी खड़ी करते थे, गाड़ी खड़ी करने से ही वहीं से महाराज की फ्रेगनेंस आने लगती थी। और गुरु जी के पास जाते थे, पत्थर टेकते थे, लंगर प्रसाद करते थे, वो मतलब वो अनुभव जो है उसको बहुत ही दिव्य अनुभव होता था उनके सामने दर्शन करने में। और एक ऐसा अट्रैक्शन महाराज का था मैग्नेट ड्राइव का कि एवरी सैटरडे हम जाते थे और उसका हमको इंतजार रहता था। और कोई भी ये नहीं कि हम उस दिन कहीं और जाएं, केवल गुरु जी के पास। हाँ, एम्पायर स्टेट में उसमें जो महाराज के आदेश थे कि छोटे बच्चों को नहीं लाना, तो हमारा बेटा तो छोटा था तो हम उसको लेके नहीं जाते थे। हम यहाँ रहते हैं, यहाँ संगत की 3-4 फैमिलियाँ थी तो अल्टरनेट करके जाया करते थे। हम अपने बच्चों को यहाँ पे किसी दूसरे के यहाँ पे छोड़ के जाते थे और हम लोग गुरु जी के दर्शन करके 9:30 तक हम गुड़गांव वापस आ जाते थे संगत प्रसाद लेने के बाद में। तो एक एक समय की बात है कि मेरे बेटे छोटे वाले बेटे को बुखार आ गया। तो जब बुखार आ गया तो हम उसको यहाँ छोड़ रहे थे आंटी के यहाँ पे, पुष्कर आंटी जी के यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि इसको आप ले जाओ, ये रुकेगा नहीं, उसको बहुत तेज, वो रो भी रहा था। तो हमें यही था कि गुरु जी के पास हम लेके जाएंगे उसको, वहाँ पे हमें डांट पड़ेगी, गुरु जी का आदेश तो नहीं ले जाने के लिए। बट हम उसको लेके गए और हमें जितनी बुद्धि थी उसके हिसाब से हमें सारा अपना वो किया। हम एम्पायर स्टेट में जो आप अंदर घुसते हैं उसके बाहर ही मैं उसको खड़ा रहा। मेरी आंटी गई गुरु जी के पास, मत्था टेका, वो बाहर आ गई, फिर उन्होंने उसको बेटे को गोद में ले लिया। फिर मैं गया, मैंने गुरु जी को मत्था टेका और हम चुपचाप सीधे फर्स्ट फ्लोर पर जाके चले के जाके बैठ गए। क्योंकि ये था कि भी आदेश नहीं है लाने के लिए गुरु जी के पास बच्ची का, बच्चे की। तो अब उसको फीवर था तो बहुत नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। और ऊपर डर ये था कि डांट पड़ जाएगी बहुत जोर से। तो सिंगला अंकल आते हैं, इसको गोद में ही उठा रखा है, इसको पुराना सोफा पड़ा हुआ था तो इसको लिटा दो। हमने उसको लिटा दिया वहाँ पे, वो 2 घंटे तक चुपचाप उसी पे सोता रहा। जब गुरु जी का लंगर प्रसाद चालू हुआ तो हम लोग नीचे लंगर करने के लिए गए। और ऐसे हम ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से हमें सोचा मन में कि गुरु जी महाराज हमको नहीं देख सकते। वहां पे स्टेयर्स के नीचे एक पिलर टाइप का है, वहां जाके बैठे, वहां पर लंगर दिया। और लंगर प्रसाद लेने के बाद में मैं गुरु जी आगे लेने के लिए हमने वही स्टेप्स फॉलो किए जो स्टार्टिंग में था। मैं हम गेट पे जाके खड़े हो गए बेटे को लेके, मेरी आंटी ने मत्था टेका महाराज से, फिर मैं गया, मैंने मत्था टेका और अपने बेटे को गुरु जी के पास हम लेके नहीं गए। हमारा मन तो जितना चलता है उतना ही हम समझा कि गुरु जी महाराज को मालूम नहीं कुछ भी क्या क्या, बट वो तो अंतर्यामी है, उनको कालदर्शी है, हर एक चीज नजर आती है कौन क्या कर रहा है। अब हम बाहर जाके जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं, हमारी गाड़ी कार पूरी मतलब फुल गुरु जी की फ्रेग्रेंस से भर गई एकदम। और वो गुरु जी की खुशबू मेरे को ना आ रही थी और मेरे आंटी को आ रही थी, एक गोद में मेरा बेटा था, एक आंटी और पीछे बैठी हुई थी।
हम मन ही मन बहुत ही खुश थे एक दूसरे को देख के स्माइल करते हुए वहां से वापस आ गए। हम घर पे आए तो हाँ घर पे वो पुष्करना आंटी को बुलाया कि तू बहुत खुशबू आ रही गुरु जी की, गुरु जी की फिटनेस का मतलब बहुत ही अलग अनुभव है, अभी भी आती है मानसिक फिटनेस। तो जब घर में देखा तो देखा कि मेरे बेटे के पूरे शरीर से गुरु जी की फिटनेस आ रही थी, उसके माथे से उसके कपड़ों से पूरे के पूरे उसने जो भी शर्ट वगैरह पहन रखी थी। तो हम उसको गुरु जी के पास लेके भी नहीं गए थे, यही था कि भाई गुरु जी ढकेंगे, पर गुरु जी ने उसको ब्लेस कर दिया और पूरी की पूरी फिटनेस उसके शरीर से जो आ रही थी वो महाराज की ब्लेसिंग थी, जैसे महाराज ने उसको टच किया हुआ हो। और उसके बाद में जो वो बीमार रहता था मेरा बेटा, उसकी जो हम एंटीबायोटिक दवाई उसको हम खिलाते थे, तो वो दवाई उसकी कहते ना कि गुरु जी आज आपके 90% टेस्ट काट देते हैं 10% बचते हैं। तो उस दवाई के लिए गुरु जी ने हमें यहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर का रेफरेंस दे दिया, उनकी कृपा से मिल गया। तो उसको मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ होती है अभी तक, और वही नहीं हमारे पूरे परिवार को कोई भी तकलीफ होती है, होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई गोलियाँ वो खिलाते हैं। कहते ना जब आप बीमार होना है वो कर्म तो आपको कट नहीं है, डॉक्टर के पास आपको जाना ही है और तो दवाई भी खानी है, तो दवाई भी वो आके होम्योपैथिक दवाई खाके वो मेरा बेटा ठीक रहता है। तो महाराज की बहुत बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें ये मेरे बेटे को स्वास्थ्य दिया, कल्याण किया उन्होंने। और मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि जो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने के बाद में तो उस कार का कलर था ग्रीन, तो एक मन में बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है ना। तो जब हम पैरेंट्स थे तो मेरी आंटी ने गुरु से मनी में प्रार्थना की कि मैं अपने बेटे को इसका मुंडन कराने के लिए हम तिरुपति बालाजी लेके जाएं। हम लोग तो गुरु जी को गुरु जी समझते थे और हमें और कुछ नहीं मालूम था, उन्हें हमारे जो दिमाग में जो डालते थे सब कुछ वही समझ में आता था, उसके बियॉन्ड तो समझ में आता नहीं था। तो अब तिरुपति बालाजी जाने के लिए हमने यहाँ से जाने की तो फ्लाइट की टिकट मैंने हमने बुक कर ली थी एयरलाइन से। तो अब आने का मेरा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, हमने कैसे आएंगे। तो मैं एक दिन ऑफिस में उस दिन बैठा हुआ था, तो ऑफिस में सोचा मैंने कहा ट्रेन का टिकट बुक कर लेते हैं। तो उनमें ट्रेवल एजेंट को फ़ोन किया, तो ट्रेवल एजेंट को जब फ़ोन किया हमने तो वो बोला कि आप ट्रेन से क्यों आना चाहते हो, फ्लाइट से आ जाओ। क्योंकि फ्लाइट से नहीं नहीं आप वो फ्लाइट की टिकट तो बहुत अभी सस्ती और बहुत मिल जाती है, ये आप ट्राई करो ना। उस समय करीब एक महीना था मेरे पास, तो मैंने नेट खोला इमीडिएटली, मैंने चेक किया और उस समय एयर डेकन हुआ करता था। तो एयर डेकन को मेरे को उसमें रिटर्न वहाँ से तो नहीं था तिरुपति से, तो वो चेन्नई से नजर आया और वो कुछ 10-10 या 20-20 रुपये की टिकट थी। हमने फ़ोन किया और हमने वहाँ से वो टिकट हमने उसमें बुक कर डाली 10-10 रुपये में, और वो टैक्स वैक्स मिला के वो उसकी टिकट ट्रेन से भी सस्ती ही पड़ी थी हमको। तो वो महाराज ने हमें टिकट बुक करा दी, हमें ये भी केवल हमने मन में ही सोचा कि भाई पूरी हो जाए आने। तो महाराज ने तब वो कृपा होती है वो अनंत होती है, उसका सोच नहीं सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से तिरुपति बालाजी गए और जाने के कि हमें ज्यादा जानकारी वहाँ की थी नहीं हो, और मैं तो ज्यादा मेरी आंटी का मतलब था मन कि हम वहाँ जाए उस बेटे को लेके। और तो हम लोग गए वहाँ पे और तो महाराज की कृपा बराबर ही बनी रही। अब जो डर था हमारे अंदर वो भी बहुत बैठा हुआ था। तो क्या हुआ, जैसे हम एयरपोर्ट पे वहाँ तिरुपति बालाजी पहुंचे एयरपोर्ट पे तिरुपति में, तो हमको वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही वो VIP दर्शन वाली टिकट कूपन्स वगैरह हमको वहाँ मिल गए एज ए कम्प्लीमेंट्री। मैंने क्या उनकी कोई स्कीम थी एयर इंडिया की, जो लोग आ रहे हैं उनको अरेंज कर देते हैं। और
हमने वहां से टैक्सी की, तो टैक्सी करते ही वो टैक्सी का जो कलर था वहां से मतलब एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए, वो ग्रीन था। और ग्रीन कलर देखते ही हमारे तो एकदम होश आवास हो गए, तो ग्रीन कलर की टैक्सी है। और ग्रीन कहते ना भी रंग जो है ये रंग आपके लिए शुभ नहीं है, तो मन में ये बैठ गया था कि हरा रंग है ना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। उस समय हमारी जो गाड़ी थी उसका कलर ग्रीन था, तो अब बैठ गए। लेकिन वहां पर मन में गुरु जी याद आ रहे ठीक है गुरु जी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। हम लोग वहां गए और करके, तो गुरु जी महाराज ने जो एक ग्रीन कलर का जो बहम था, जो डर बैठा हुआ था हमारी कार का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ में, वो मन से इस जर्नी में एक निकाल दिया। और हम बेटे को लेके वहां गए मंदिर सुबह और दर्शन हुए, और हमें कहीं भी कोई इनको संगत बोले या दर्शन करने आए थे साउथ इंडियन एक फैमिली, उनसे मेरी हमारा जानकारी होगी वो भी वहीं तरह ने कहा आप रूम में आ जाओ। उन्होंने गर्म पानी और सब कुछ का अरेंजमेंट वहां पे करवा दिया मंदिर में, तो वो महाराज जी कृपा से सब कुछ हुआ। और उसके बाद में हम नेक्स्ट डे वापस चेन्नई आए हैं, तो चेन्नई से हमारी फ्लाइट थी यहाँ रिटर्न आने की टू दिल्ली। तो वो एक दिन हमको मिला तो मेरा फ्रेंड था वहीं चेन्नई में, तो उसने बोला कि गाड़ी भेज दी हमको स्टेशन से पिकअप करने के लिए, और बोला कि आप लोग क्यों का कल का फ्लाइट है आप एक दिन यहाँ घूम लो, हम शाम को मिलेंगे डिनर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस दिन वहाँ पे दिल्ली चेन्नई में पूरे दिन हमने घूमने का हमारा प्रोग्राम बन गया। लोग दोपहर में गए, तो वहां पे भी उस दिन सैटरडे था और मेरे छोटे बेटे का उस दिन जन्मदिन भी था, तो वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है शिव जी महाराज का चेन्नई में, बहुत पुराना बड़ा मंदिर और उसके अंदर शिवलिंग है काफी बहुत बड़ा शिवलिंग है, कहते हैं कई सौ सौ साल पुराना मंदिर है। तो मेरी आंटी ने बोला वहां पे, मेरा बेटा हमारी गोद में था, तो बोला कि आज हम गुरु जी के पास होते तो इसका मैं आज निशुक बोलते हैं बेटे को कि निशुक का तो आज जन्मदिन है, तो गुरु जी के पास ले जाके इसका मत्था टिकाते हैं गुरु जी से ब्लेसिंग कराते। हम लोग वो मेरे से इस तरह से आपस में बोल रहे हैं, और फिर मेरा बेटा वो हल्की तोती आवाज बोलता है, बोलता देखो देखो मम्मी वो गुरुजी बैठे हुए हैं, शिवलिंग बना हुआ था कि वो शिवलिंग के ऊपर उसकी उंगली उठा के देखो वो गुरुजी बैठे हुए हैं। तो हमारे मन में ये विचार आना था कि गुरुजी के पास लेके आते, वो गुरुजी महाराज ने शिवलिंग के ऊपर बैठे हुए अपने दर्शन मेरे बेटे को दे दिए, उसको ब्लेस कर दिया, जो मन की भावना थी हमारी आंटी की। तो गुरुजी हर शिवलिंग में मैं समझता हूँ व्याप्त है, उन्होंने यही मैसेज दिया कि हर जगह हर मंदिर में यहाँ भी शिव जी का मंदिर है, गुरु जी भी है वहां पे किसी न किसी रूप में। और हम लोग वापस अपने घर आ गए, एक तो महाराज का असीम कृपा रही। और ये एक्सीडेंट से ही रिलेटेड एक और हमें सत्संग है जो मैं आपको शेयर करूंगा, कि हमारे जो गाड़ी थी वो होंडा स्विफ्ट थी, और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं टैक्सी लेके गया, तो मुझे उस जो गाड़ी थी होंडा स्विफ्ट बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ करते मतलब हुए, कहते ना जो भी आपके साथ होता है वो तो प्रारब्ध होता है और उनसे गुजरना पड़ता है। तो हम यहाँ एक बार गए थे, एक सांड आ गया उसने मेरी गाड़ी में ठोक दिया और वो डेंट हो गया। और एक बार मैं हंसर की साइड जा रहा था, पीछे से आके किसी ने टक्कर मार दी, तो क्योंकि एक्सीडेंट में मेरा मेजर एक्सीडेंट जो हुआ था जिसमें हमारी लाइफ महाराज ने ब्लेस की थी, तो मन में एक विचार रहता है कि इस तरह से डर भी बढ़ जाता कि हम ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है। कि गुरु जी जो है ना आपको शक्ति प्रदान करते हैं कि उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। तो एक दिन रात में मेरे को महाराज ने दर्शन दिए, और दर्शन भी किस तरह से दिए कि कोई मेरी गाड़ी चला रहा है और वही कार, और उसने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। और मैं बाहर से देख रहा हूँ, मैं बहुत ही जब आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आप देख के डर जाते हो, मन में फिर हो गया सब कुछ। और गुरुजी वहां पे आ गए, वो टूटी एक्सीडेंट की गाड़ी के पास नहीं, गुरुजी मेरा दरवाजा खोलते हैं कार का,
और 10 वोल्ट से इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालते और मेरे हाथ को हाथ में दिखाते हैं कि ये इंश्योरेंस का रखा ना, वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इंश्योरेंस था, तो कहते हैं इंश्योरेंस का रखा कि ठीक करा और चला। तो उसके बाद में मतलब महाराज ने मन में ये डाल दिया कि ठीक है एक्सीडेंट तो होंगे बट उसको ठीक कराओ चलाओ। और उसके बाद मैंने कहीं पे भी कोई उसके बाद बहुत सारे एक्सीडेंट हुए तो मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा महाराज का ही है कि ये तो होगा और आप आगे बढ़ते रहो। तो महाराज ने मन से वो जो कार चलाने में जो हिचक थी एक्सीडेंट की बार बार क्यों हो रहे हैं वो महाराज ने निकाल दिया। मैं एम्पायर स्टेट में हम जो जाते थे वहां के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक तो ये था कि जब उस समय पे कहते थे कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठेगी और नई संगत नीचे आएगा, उसको गुरु जी के पास सामने बैठने के लिए मौका दिया जाएगा। तो अब मैं सोच के महाराज के पास जाके मत्था टेक के मैं ऊपर जब जाके बैठ गया। अब जब ऊपर बैठ गया तो आपके मन में बहुत सारे मेरे मन में विचार आए, उसमें कोई नहीं था, नीचे एक दो तीन लोग बैठे हुए थे, मैं ऊपर जाके बैठ गया तो बोला गया वो फॉलो करना जरूरी है। मन में बहुत ही नहीं गुरु जी कोई तो है नहीं, मैं तो मेरे ऊपर बैठने के लिए बोल दिया, ये कोई तरीका तो नहीं है। और बहुत ही मन में मैं बोलता रहा इस तरह से। तो वहाँ पे अंकल आए, सिंगल अंकल आए और बोलते हैं मेरे पास, बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, कोई बात नहीं, अभी आप जाके नीचे बैठ जाओ, जैसे संगत आए तो पीछे हो जाना और पूरा बाजार ऊपर आके जाके बैठ जाना, ठीक है। फिर हम हर बार जाके हम यही करते रहे कि हम जल्दी जाते थे, कभी कभी गुरु जी महाराज जो किचन एम्पायर स्टेट में उसके बाहर साइड पे बैठे हुआ करते थे। तो एक बार तो क्या हुआ कि गुरु जी अपने जो स्पेशल ड्रेस पहनते थे चोला, तो उन्होंने वो अपने सिंपल ड्रेस में शूज वॉक्स में बैठे हुए थे और मैं तो जाके उनका आसन पे जाके मत्था टेका। वहां पे क्या था कि हम मंदिर में जाते हैं ना तो पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता कुछ भी क्या। और वो जोशी अंकल मेरे पर इशारा करें कि गुरु जी ये बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे से करें, क्योंकि गुरु जी के सामने कोई बोलता तो था नहीं। मैं जाके जब बाद में देखा तो मेरे को लगा कि महाराज गुरु जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उधर मत्था टेक। फिर हमने उनका तो मत्था टेका वहां पे। तो अच्छा, तो इस तरह से चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि मैं गुरु जी के पास सामने बैठा हुआ था तो धीरे धीरे पीछे होता चला जा रहा था। तो मेरे आगे एक बहुत बड़ी संगत जो मेरे से 1 फुट लंबी थी वो आके बैठ गई। बैठ गए तो गुरु जी हमको नजर नहीं आ रहे थे। तो गुरु जी बाहर जब नजर नहीं आ रहे थे तो हमने आंख बंद की तो देखा सामने की गुरु जी की जगह पे साक्षात शिव जी भगवान पर उस तरह से उनके शेषनाग और ये सब गले में है वो बैठे हुए हैं। और मैं बार एक दूसरी बार देखूं तो मेरे को नजर आ रहा कि गुरु जी, एक बार देखूं तो शिव जी भगवान, वो बार बार कंटिन्यूसली ये इतनी देर में वहां आधा घंटा तक बैठा रहा, वो यही महाराज ने हमको दर्शन कराते। और फिर मैं जाके ऊपर बैठ गया और फिर मैं ये सब कुछ भूल गया। बहुत खुशी हुई कि शिव जी भगवान नजर आ रहे हैं, गुरु जी नजर आ रहे हैं। ये इंसिडेंस मैंने किसी को भी नहीं बताया, ठीक है। जब बहुत दिनों बाद कई सालों बाद लोगों ने बोला हमको कि गुरु जी ने हमको शिव जी के रूप में दर्शन किए, तो फिर मेरे को वो रिकॉल हुआ कि जो भी चाहते हैं महाराज कब किस समय आप किससे क्या चीज शेयर करें वो उनकी मर्जी से ही होता है। वो सारा का सारा कंट्रोल जो है ना हमारे मन का और शरीर का महाराज के पास ही है। तो फिर हमने ये सत्संग गुरु जी ने हमको साक्षात दर्शन दिया एम्पायर स्टेट में शेयर किया। और उस समय जो गुरु जी का जो स्वरूप है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता था, जब महाराज का आदेश होता था तभी मिलता था। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि गुरु जी का स्वरूप मेरे नेटिव प्लेस मेरे भाई को भी, कहते हैं गुरु जी का स्वरूप जहाँ पहुंच गया गुरु जी साक्षात है विराजमान है उनकी ब्लेसिंग है। तो मन में हुआ कि उनको भी मिल जाए। तो मेरा छोटा भाई गुड़गांव एक दिन आ गया, ऐसे ही बिना बात किए वो मेरे से आया। तो हमने उसको गुरु जी का स्वरूप बताया, गुरु जी ऐसे उनका स्वरूप है आप ले जाओ घर में। तो वो लेके चला गया।
उसने उस गुरु जी के स्वरूप से, वो नीले चोले में गुरु जी का स्वरूप था, फिर और भी स्वरूप गुरु जी बटवा फोटो से, और वो उन्होंने सबको फैमिली मेंबर्स को जितने भी थे सबको दिया। और हमारे घर में वहां पे नेट प्लेस में एक लड़का काम करता था, वो गांव से आता था, उसको भी दे दिया कि गुरु जी है। तो जैसा मैंने बताया कि गुरु जी ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए, और गुरु जी महाराज हर जगह व्याप्त हैं। तो मेरे बड़े भाई हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं बड़े मंदिर, और वो पूजा करते हैं, वो हनुमान जी का भी पूजा करते हैं, और फिर गुरु जी का जो मंत्र था हमने बताया वो उसका वो जाप करने की। एक दिन गुरु जी ने उनको साक्षात अपने शिव जी के रूप में प्रकट हो गए घर पे ही वहीं पे। तो वो कहते ना उनका शेष नाग वो सब देख का देख के डर गए, आपने लगे। तो गुरु जी वो अपने उस जो स्वरूप था उस रूप में वहां पे आ गए, उस रूप में दर्शन दिए। कहते हैं वो तो रोज मेरी पूजा करता है, डर गया। और महाराज का स्वरूप कहते हैं ना वो साक्षात खुद है, जो करके कहे हुए शब्द हैं वो दूसरा। कहते हैं गुरु जी महाराज इस दुनिया में कोई पैसे वाला, कोई कुल नौकर है, ये काम करने वाला, ये है, ये सारे बराबर हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, ठीक है। गुरु जी ने बोला कि जो मेरे पास नहीं आ सकता है मैं उसके पास खुद जाता हूँ। तो जो मेरे घर में जो लड़का काम करता था, गांव में रहता था, दूर से साइकिल से आता था, दूध लेके आता था, तो उसको भी गुरु जी ने साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए। उसके कनेक्शन हम कहते हैं गुरु जी के जो कनेक्शन है किसी के साथ में, गुरु जी उसको दर्शन देते हैं, कम से कम पिछले 10 जन्मों से जुड़ा हुआ है। अब कोई भी किसी भी रूप में कहीं पे भी जिस अवस्था में है वो महाराज की मर्जी से है, उसके प्रारब्ध जैसे भी है। तो और एक और उसी समय की बात है कि हम जब महाराज के पास जाते हैं तो कहते हैं ना गुरु जी आपकी पूरे सर्किल में सभी को ब्लेस करते हैं, जैसे आपकी फैमिली, आपके ब्रदर्स, कजिन ब्रदर्स, रिश्तेदार, नातेदार, सबको ब्लेस करते हैं। और इवन जो आपसे अटैच्ड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको भी ब्लेस करते हैं। मेरे साथ तो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सारा अनुभव किया हुआ है। तो मैं मेरे नेटिव जो मेरे अंकल हैं, चाचा जी हैं, तो वो एक्सपायर कर गए थे, और मेरी जो कजिन सिस्टर थी उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो मेरी जो चाची जी थी काफी परेशान थी, मैं 3-4 साल से परेशान थी, इसकी लड़की होती ना कि लड़का नहीं मिल रहा है। तो अब मैं उस दिन जब गया हुआ था मैं प्लेस में एक बार, तो हमने उनके घर जाके गुरु जी के बारे में सत्संग किया, उनको बताया। और मेरे पास बहुत ही छोटा सा महाराज का स्वरूप था एक, और वो मैंने उनको दे दिया। मैं कि ये गुरु जी का मंत्र जाप करो, तो सब कुछ गुरु जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। तो गुरु जी का वो छोटा सा स्वरूप जो मैंने उनको दिया, तो जो मेरा ब्रदर है कजिन ब्रदर, वो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने उसका बड़ा स्वरूप बना लिया। और फिर उन्होंने जब बना लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं उनके पास गया हूँ, तो वो मेरे से बोलते हैं कि जिस दिन मैंने गुरु जी का स्वरूप लगाया उस रात सारे देवी देवता और गुरु जी के पूरी रात दर्शन हुए हैं। तो और जो मेरी बहन की उसकी शादी की जो बात थी, तो मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ, तो एक दिन मेरे को लगा मेरे कान में ऐसे गुरु जी, मैं सुबह के समय था, गुरु जी बोले उसकी शादी अगले साल करा देते। उस समय अक्टूबर नवंबर का महीना था, तो जब हम वहां गए तो अपने उनको बोला कि गुरु जी का ये जो मेरे कानों में आवाज महाराज की आई, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आई। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं कि वो आपको नजर भी नहीं आ रहे हैं, आपको आवाज आपको आ रही है। तो हमने उनको अपनी आंटी को बोला कि इसकी शादी हो जाएगी अगले महीने, साल हो जाएगी। मैं वहां से वापस आ गया के पास से, और गुरु जी ने जैसा उनको लड़का चाहिए था
घर यही पास में ही मिल गया, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह की फैमिली मिले उससे भी कई गुना बढ़िया गुरु जी ने वो सब कुछ उनका रिश्ता कराया। वो अच्छी तरह से महाराज ने मेरी बहन सिस्टर की शादी करा दी, क्योंकि वो आंटी बहुत ही परेशान रहती थी उसके लिए। मैं एक सत्संग आपको गुरु जी की फ्रेंडनेस के बारे में सुनाऊंगा, और वो ऐसा है कि हम जब गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु जी की फ्रेंडनेस आती थी। कभी कभी मन में ये भी होता था कि ना कि कोई परफ्यूम डाल दिया, ये डाल दिया, बट वो जो कि हमारा मन दूषित है, इसमें कहते हैं ना कि बहुत सारे जो गलत विचार हैं वो भरे हुए हैं, तो गलत चीज ही आपका डालेंगे तो गलत ही निकलेगा उसमें। तो कभी आता था तो हमेशा ये फील होता था कि भैया ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया, लेकिन वो उस खुशबू के लिए हम दीवाने रहते थे। हम चैक उठते थे, हम रोज की फ्रेग्रेंस आ रही है इस तरह से। तो गुरु जी ने जब महासमाधि ले ली, उस समय एक आंटी ने हमको वहीं पे मंदिर में हम लोग थे, तो उन्होंने हमको बोला कि भी जब से आप गुरु जी के पास आए हैं तो गुरु जी एक ही कोलेस नहीं करते, हर एक का जीवन परिवर्तन करते हैं, और जब से आप जुड़े हुए हो तब से आप देखो तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है वो आपको खुद महसूस होगा जब आप कुछ कुछ चेक करो। तो उसे हम मंदिर में थे, तो मंदिर से जब घर आए तो वो बातें मेरे कानों में गूंजती रही। तो आंटी ने बोली, तो मैंने कहा मेरे लिए मेरे साथ गुरु महाराज ने क्या परिवर्तन किया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बोल मैंने चेक किया। तो उसमें सबसे बड़ा था कि मैं मेरे को बहुत ही हाइपर एसिडिटी हुआ करती, मैं चाय को पी नहीं सकता था गुरु जी के पास जाने से पहले। तो जो हाइपर एसिडिटी, और मैं अपने मतलब कॉलेज टाइम से जब भी शाम को खाना खाता था पेट में हल्के का दर्द होता था, और महीने में दो महीने में एक बार तो एंटीबायोटिक जो होती है स्टमक के पेन की, वो सारी में लेता था। मेरे को सब कुछ मानते जैसे जरा भी सिम्टम्स हुए तो मैं उस चीज को लेके वो दवाई खा लेता था। मैंने देखा जब से गुरु जी के पास हम आए हैं तब से वो, और जब मैं मेरी ट्रैवलिंग की काफी जॉब था, मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करता था, तो मेरे ट्रैवल किट में वो दवाई का पूरा पैकेट पड़ा बना पड़ा रहता था। हमने देखा कि वो हमने ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, हमने वो दवाई नहीं खाई तब से। महाराज ने मेरे पेट की जो इन्फेक्शन और दर्द की प्रॉब्लम थी वो लेस कर दी, और वो पूर्ण रूप से मतलब कि मैं चाय भी पीता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, बट वो समस्या जो थी हाइपर एसिडिटी की वो महाराज ने ठीक कर दी। और तो ये एक बहुत ही जो मतलब कई सालों से चली हुई समस्या है जो गुरु जी की ने हमारे शरीर में वो हमने ब्लेस करके उनको ठीक किया। और यही नहीं, हम होता ना कोई ना कोई आपका प्रारब्ध होता है। मैं जब छोटा था तो मेरे जो फादर पिताजी थे वो एक संत थे बाबा जी, उनके पास जाया करते थे, तो मैं भी उनके पास जाया करता था उनके साथ में, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड है ये। तो वो हाथ देखा करते थे, हाथ देख के उन्होंने मेरा हाथ देखा एक बार, बोलते बेटा तेरे हाथ में तो त्रिशूल है, तो शिव जी की पूजा किया था। और मेरे फादर भी शिव जी के भक्त थे, तो हर शाम डेली हमको मंदिर में लेके जाते थे ऑलमोस्ट एवरी डे। और उन्होंने सेकेंड चीज मेरे को बोली थी कि तुम्हारे जीवन में जीवन पर्यंत कोई ना कोई दर्द बना रहेगा। तो जो दर्द हमारे स्टमक में होता था वो मतलब कंटिन्यूसली चला आ रहा था, बट लेकिन गुरु जी के पास जब आए तो वो पूरा का दर्द हमारा खत्म हो गया। और इसी से जब ये दर्द खत्म हो गया, इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा इसी प्रसंग को। ये सारा हो गया तो हम लोग बड़े मंदिर जाते थे, वहां पे सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद हम वापस आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे
जो सिंगला अंकल जी हैं, तो वो एक वैद्य जी हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, काफी कमजोर थे, उन्होंने कहा कि इनको दिखा देते हैं, किसी इनकी ग्रोथ होता है, क्या प्रॉब्लम है इनको, ये ठीक हो जाएंगे। तो हम उन दोनों को लेके गए, बच्चों को लेके गए वहाँ पे, उनको दिखाया। और सेकेंड टाइम हम फिर गए, तो जाने पे सिंगला अंकल ने बोला कि क्योंकि हम लोग मंदिर में रात में आते थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना 12 आवर्स फास्टिंग होना चाहिए, वो आपकी नब्ज देख के सब कुछ बता देते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरा हाथ नब्ज देखा, बोले कि बेटा ऐसा है, तुम तो 10-12 साल के थे तब से पेट की गोलियां, तरती गोलियां बहुत खा रहे हो, उसकी भी जीवित हो। तो मैंने देखा उधर उसमें सिंगला अंकल की तरफ, मन से मुस्कराया हमने कि ये जो वैद्य जी हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे शरीर के हिसाब से और जो तकलीफ थी मेरे को, गोलियां तो मैं दवाई कंटिन्यूसली खाता ही था, लेकिन वो गुरु जी की कृपा हुई तो मैं उनको हाँ ही बोला, मैंने ये नहीं बोला कि यह कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहते ना कि गुरु जी महाराज आपके जो मूल कारण है इस चीज का, उसको भी कि वो जब समय आता है ना तभी वो सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि जो आपका जो नेवल पॉइंट है वो अराउंड 4 इंच शिफ्टेड है फ्रॉम द सेंटर, और वो कहते हैं आपके बचपन से ही है, उसी की वजह से ये सारी आपको प्रॉब्लम है, आपको जो हाइपर एसिडिटी बनती है और गुस्सा और होता है सब उसकी वजह से है। हम लोग वहाँ से आ गए, आने के बाद में फिर हम दिखाने भी गए जो नेवल पॉइंट ठीक करता है, उसने भी देखा, उसने भी बोला कि ये 4 इंच आपकी नेवल शिफ्ट है। तो महाराज ने वो भी जो बेसिक हमारे बॉडी में प्रॉब्लम थी, उनकी ब्लेसिंग के द्वारा वो सारी की सारी हमारी दवाइयाँ और सब कुछ दर्द वर्द सब खत्म थे, क्योंकि हम तो महाराज का लंगर करते दर्शन करते हैं, बस उन्होंने ब्लेस कर दिया था। लेकिन जो बेसिक रूट कॉज था महाराज ने वो भी हमारा बॉडी का ठीक करा दिया। ये महाराज की बहुत बड़ी बहुत बहुत कृपा है। और मैं एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ कि गुरुजी महाराज ने किस तरह से हमारी फैमिली में मेरे ब्रदर की जो वाइफ थी उसको ब्लेस किया। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो हम ही लोग जाते थे, तो क्या हुआ एक बार कि मेरे ब्रदर ने मेरे को फोन किया रात को 11:30 बजे, कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उन्होंने पूछा किसी का जवाब दे कि उसके बैक में पेन होता है और उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, नीतू उसका नाम है, उसके बैक बोन में टीबी हुआ था, कि टीबी की उन्होंने दवाई, वो टीबी ठीक हो गई थी लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था, उसकी भी उन्होंने कई 2-3 साल से दवाई चल रही थी, फिर लेकिन डॉक्टर ने फाइनली बोला कि भाई इसका तो इलाज नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अब तो इस दर्द के सहारे रहना पड़ेगा। अब वो उसकी एज काफी कम थी, एक छोटा सा बेबी था 1 साल का, तो उसको भी वो गोद नहीं ले सकती थी, कोई घर का काम नहीं कर सकते थे कुछ भी, तो तकलीफ थी बहुत ही ज्यादा। तो मैंने बोला कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि दर्द रहेगा तो हमने गुरु जी के पास ये सीखा है, जो भी आपके साथ होता है वो गुरु जी का प्रसाद है, अगर पैर में कांटा लग गया तो कांटा प्रसाद, दर्द हो रहा तो दर्द प्रसाद है, उसको उसके साथ रहेंगे हमें कोई बात नहीं, आप उसको गुरु जी के पास ले आना। और मन में ये था कि इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो गुरु जी महाराज लोटा ब्लेस कर देते हैं। तो उनका आने का प्रोग्राम होगा, हमने कहा ये लोग खुद ही आ जाएंगे, लेकिन उनका नहीं हुआ, तो हमने उनको फोन करके पूछा, तो बोला कि हमारा तो नहीं बन पा रहा है और आप ही टिकट बुक कर दो, कब आना है। तो मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी, उनको मेल कर दी आने के लिए। अब मन में ये था कि भाई ये इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन रिपेयर तो होती नहीं है, मतलब अगर वो एक बार डैमेज हो गई तो हो ही गई, तो और डॉक्टर ने भी ये बोला था। तो जब हमको लेके घर आए, जब ट्रेन से आ गए तो उनको लेके हम गुड़गांव में लेके आए, तो मेरी मदर भी आई थी और आई भी था, तो मैंने सबसे पहले उनसे ये एक ही सवाल किया कि नीतू आपके ये पीठ का दर्द कैसा है। मैंने सवाल इसलिए किया था कि भाई अब इसका दर्द तो है, गुड़गांव में जाके एक कॉपर का लोटा ले आएंगे महाराज से ब्लेस कराने के लिए। तो वो बोलती है
भैया जिस दिन आपने फोन किया था ना, टिकट टिकट हो गया, उसी दिन से मेरा दर्द खत्म हो गया। अब तो देखिए, अब मेरी जो मदर थी, उन्होंने जब ये सुना कि इसके दर्द को होते ही नहीं, फिर भी ये आ गई। अब वो तो महाराज की मर्जी होती है, मेरा भाई भी ये बोलता था, तुमने हमको बताया कि नहीं दर्द ठीक हो गया। वो गुरु जी की मर्जी थी कि उसको केवल मेरे को ही बताना था, और जो मेरे मन में भ्रम था कि भाई बहुत कोई क्रिटिकल चीज हो तो उसके लिए गुरु जी का लोटा ब्लेस करना पड़ता है। गुरु जी की ब्लेसिंग आज अनंत है, और मैं समझता हूँ किसी भी चीज की लोटे की और उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मैं उन दिनों मंदिर में मेरे को सेवा मिली हुई है, और मंदिर में जाता था तो मंडे के दिन लोग लोटा ब्लेस करने के लाते थे। बहुत ही असमंजस रहता था कि भी लोटा ब्लेस करने की जरूरत है कि नहीं है। तो वो महाराज मन से निकला। दूसरा, उसको बिना बड़े मंदिर आए हुए यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर वहीं पे ब्लेस कर दिया, केवल उसका प्रोग्राम मानने के लिए, और उसको जो एक नया जीवन दिया। मैं तो बोलूंगा जिसके पीठ में दर्द होता है, जो झुक नहीं सकता, पूरा जीवन खराब, मैं मानता हूँ, वो महाराज ने उसको ब्लेस किया। और एक और मैं सत्संग सुनाता हूँ कि ये हमारे मित्र हैं जो मेरे नेटिव प्लेस में रहते हैं, कितना गुरु जी महाराज सबका ध्यान रखते हैं और कैसे रखते हैं। तो एक बार मैं जब उनके पास गया मिलने के लिए, तो जो मेरी भाभी जी हैं उनको काफी वो वीक हो गई थी। मैं एक साल गया, सेकंड ईयर जब दोबारा गया तब देखा मैंने कि काफी कमजोर हो रही हैं। तो मैंने उनको गुरु जी का स्वरूप दिया, गुरु जी का सत्संग सुनाया, उनको स्वरूप दिया। कहते ना गुरु जी का स्वरूप आने से ही आपकी जो कष्ट हैं वो कम हो जाते हैं। तो जो उनकी प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट उनकी यूट्रस में शायद कैंसर था उसके, और वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जो भी जो महाराज का स्वरूप उनके पास गया और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया जाके, तो डॉक्टर ने बोला इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उनका ऑपरेशन हो गया। और वो नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो वो रूप से स्वस्थ थे, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उसी तरह की प्रॉब्लम उनके पड़ोस में किसी को, लेडी को हुई थी, और वो उनकी डेथ हो गई थी। तो गुरु जी महाराज ने उनको, मेरे जो फ्रेंड मित्र हैं उनकी वाइफ को एक नया जीवन दिया उनको। और गुरु जी की जो कृपा है, मैं तो समझता हूँ आज की डेट समय पे अनंत है। आप उनको हमारे जीवन में और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी ही कृपा से हो रहा है, और नहीं तो ये इतने कष्ट हैं जिनको हम नहीं काट सकते। तो मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ कि कहते ना, मैंने बताया ना आपको कि गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करते हैं, जो भी आपके साथ जुड़ा, आपके मित्र, आपके फैमिली मेंबर्स। एक सत्संग सुनाता हूँ, एक हमारे बिजनेस एसोसिएट के बारे में सुनाता हूँ कि गुरु जी महाराज ने उनकी वाइफ को कैसे मुक्ति दी। ये मिस्टर एक विष्णु कामत हैं, हमारे बॉम्बे रहते हैं, तो नॉर्मली मेरा हमारे बिजनेस के रिलेटेड उनसे मीटिंग होती थी, तो एक दो सवाल तक हमारा कोई बात नहीं हुआ। तो एक मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने उनको फोन किया शाम को। तो हमने जब शाम को फोन किया तो वो बोलते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने कहा हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं आप? तो बोलते हैं मेरी कि उनकी वाइफ जो है वो कोमा में है पिछले 7 महीने से हॉस्पिटल में, और ये एक वायरस होता है जो ब्रेन में चढ़ जाता है, उसकी वजह से वो ब्रेन की वजह से पूरी कोमा में है। और कोई डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक होंगी या नहीं होंगी, बट उनकी हालत बिल्कुल ब्रेन की वजह से। और वो कहते हैं हमको डेली एवरीडे शाम को आना पड़ता है उनका हालचाल जानने के लिए। तो मेरे को उनका दर्द ऐसे महसूस हुआ कि मुझे लगा मैं उनकी जगह पे हूँ, और वो पीड़ा मेरे को महसूस हुई। हालांकि वो मेरे ना तो रिश्तेदार ना नातेदार कुछ भी नहीं, बट हमारा बिजनेस रिलेटेड उनसे बातचीत होती थी, मीटिंग होती थी। तो अब बात होने के बाद मैंने अपनी आंटी से बोला कि ऐसे ऐसे वो है उनकी बात, और हमें तो ये मतलब कोई भी तकलीफ में है तो उसको गुरु जी का स्वरूप दे दिया जाए। तो मैंने आपस में बातचीत की कि इसको उनको स्वरूप दे सकते हैं महाराज का या नहीं, पूरा कि
तो मेरी आंटी ने बोला हाँ ठीक है, आप प्रभु उनको भेज देंगे, प्रभु भेज देंगे तो उनको महाराज की ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो अब मैंने शाम को जब मैं पूजा करता था, गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी उन पर कृपा करो। तो अब जब हमारी बात होगी सुबह, तो सुबह 8 बजे मैंने उनको, मिस्टर विष्णु कामत को मैंने फोन किया। तो फोन किया तो फोन उन्होंने नहीं उठाया, मैं किसी और रिलेशन में किसी ने फोन उठाया, बोलते हैं कि वो तो बिजी हैं, अभी फोन पे बात नहीं कर सकते, उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई है कल रात में। तो अब हम तो जिसके लिए स्वरूप भेजना चाह रहे थे वो महाराज ने पहले ही कर दिया, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली थी, 7 महीने से वो हॉस्पिटलाइज थी, डेड कंडीशन में हॉस्पिटल में, ना तो डॉक्टर उनको छोड़ सकते थे, है ना। और वो महाराज ने बिना मतलब उनको स्वरूप भेजे बिना ही, उनको मालूम ही नहीं है, केवल उन्होंने प्रार्थना मात्र से उन्होंने उनका कल्याण कर दिया और उनको मुक्ति दी। कहते हैं इस शरीर की मुक्ति ईश्वर के बिना नहीं मिलती, क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं ना उनकी वजह से मुक्ति भी नहीं मिलती है, पर गुरु जी महाराज ने उनको मुक्ति दी और उनके जो 7 महीने से कष्ट में पड़े हुए थे विष्णु कामत की वाइफ, तो महाराज की जो कृपा है वो अनंत है मैं समझता हूँ। और आंटी मैं आप आई थिंक 10 o'clock हो गया, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज का, उन्होंने हमको मौका दिया सत्संग करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग महाराज की ब्लेसिंग सारी संगत जो है सभी पे बनी रहे, सबको कृपा करें गुरु जी, सबको अपने चरणों में लगा के रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल जी अगर आप और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करिए अंकल। हेलो अंकल जी। हाँ जी 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 आंटी, अगर आप मैं आप बोल रहे तो एक मैं तो बहुत वैसे तो जरूर हम एक सत्संग आपको और शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये मेरा ऑफिस था उसमें कनॉट प्लेस में, तो कॉर्पोरेट ऑफिस था, उसमें हम 3-4 लोग ही थे, मतलब 5 लोग। तो मेरे ऑफिस में रिसेप्शन पे एक लड़की थी, तो क्या हुआ हम गुरु जी के बारे में सबसे बात करते थे, मतलब जब उनकी गुरु जी की आज्ञा होती तभी कोई उनसे कनेक्ट होता है और उनके चरणों में जाता है। तो उसके क्या हुआ कि लड़की के जो अंजलि थी है लड़की नहीं है अभी भी अंजलि, तो उसके फादर को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो वो बेचारी ऑफिस में बैठ के रोती थी। तो मैंने उससे एक दो बार बात किया तो वो बोलती है कि आईसीयू में है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक दिन सैटरडे को, मेरे को बहुत ही अजीब सा लगा कि मैं इतनी तकलीफ में है। तो उस समय हम मंदिर जाते थे बड़े मंदिर, हमें मंदिर गुरु जी इसका प्रसाद कहते हैं मंदिर में, जिसके लिए मिले उसी के लिए होता है, तो हम स्पेशली उसके लिए प्रसाद लेके आए, गुरु जी का स्वरूप लेके आए थे मैं ऑफिस में। तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो अंजलि तुम्हारे फादर बीमार हैं, तो ऐसे से गुरु जी के बारे में उनसे सत्संग शेयर किया कि, तो वो पहले तो बहुत ही रिलक्टेंट थी कि भाई हम इसके कुछ मानने के लिए, जो मैं बोल रहा था मैं गुरु जी का स्वरूप ले लो उनका इंतजार करो, तो बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो डॉक्टर ने बोल दिया बचेंगे नहीं। तो मैं ठीक है मैंने कि बचेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये गुरु जी का प्रसाद है, लड्डू प्रसाद है, ले जाओ और उनको खिला देना। क्योंकि वो बोलती है कि उनको डायबिटीज है और मीठा खाने देती तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं भी उसको गुरु जी का स्वरूप देने के इच्छुक नहीं था, कि मुझे तो इसके अंदर से एक आवाज नहीं आई कि हाँ उसको गुरु जी का स्वरूप लेना है, तब तक मैं उसको मैंने उसको चढ़ाया। मैंने ठीक है तेरे पापा अभी तू कह रही है कि मुझे इतने दिन से आईसीयू में डॉक्टर बोलेंगे बचेंगे नहीं तो मरेंगे, अच्छा है मीठा खा के मरेंगे, है ना, लड्डू है मीठा है मीठा खा के मरेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसको ऐसे ही बोला। तो उसकी समझ में आ गया कि भाई ठीक है सर आप बोल रहे हो तो हमें दे दो। मैंने कहा तू अभी यहाँ से, उसमें 2:30 बजे हुए थे, अभी जाओ छुट्टी करके और सीधे हॉस्पिटल ले जाओ, गुरु जी का स्वरूप उनके पिलो के नीचे रख देना अपने फादर के, वो कल छुट्टी मिल जाएगी। मेरे मन से ये ऐसे निकला के लिए, तो
अब उसने जाके को अपने फादर को वहाँ पे प्रसाद खिला दिया, रुद्र प्रसाद गुरु जी का। जाने के बाद में उसकी जो मदद थी वो भी हंसते थी, वो गुरु जी का वो इंतजार करते थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर ने उनको चेकअप के लिए बुलाया, चेस्ट में वो टीवी की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक्सरे किया। तो जब एक्सरे किया तो एक्सरे में उनका जो चेस्ट बिल्कुल क्लीन आया, उसमें कोई टीवी भी निकला ही नहीं, तो ऐसा निकला नहीं। वो कई दिनों से आईसीयू में थे जो हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला कि या ये तो जो हमने पहले आपका डायग्नोस किया था वो कुछ गलत हो गया है, मैं मशीन खराब हो गई थी, इनको टीवी नहीं है, इनको तो कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है, एक गोली खिलाएंगे और इनको उठा ले जाए। वो बेड रिडन थे, उनको जबरदस्ती उन्होंने डॉक्टर्स ने उनको व्हील चेयर पर बिठा के रिलीव कर दिया, वो घर पे आ गए। नेक्स्ट डे तो वो मेरे पास आई अगले दिन, कहते हैं कि सर आपने वैसा बोला था, डॉक्टर ने रिलीव कर दिया, कैसे रिलीव कर दिया, उसने बताया कि डॉक्टर बोले था तो टीवी तो है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुरु जी महाराज हमारे ऐसे हैं कि जिसको टीवी थी वो बस उनका मंत्र जाप उनका स्वरूप मिल गया, तो साक्षात वो खुद है, उन्होंने उसको ब्लेस कर दिया और वो उसके अंजलि के भागर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। क्योंकि नॉर्मली कोई आईसीयू में होता है डॉक्टर से तो एंगेज भी नहीं करते हैं, छोड़ते भी नहीं है, तो ये कमजोर है ये है। उसके बाद में पंजाबी गांव में सत्संग हुआ, तो उन्होंने कहा आप लोग सत्संग में आना, तो उनके जो वो कहते हैं ना कुछ लोग जो गुरुद्वारा जाते हैं कहते हैं ना वो फिजिकल फॉर्म में किसी गुरु को किसी को नहीं मानते, उसका जो हस्बैंड था गुरु का वो काफी उस टाइप का सरदार था फिजिकल, तो बोलती थी सर वो तो आएंगे नहीं, आप गुरु से बात ना करो कि मेरे को सत्संग में बुला, ठीक है मैं गुरु से बोल देता हूँ करने की, तुम भी प्रार्थना करो सबकी बात सुनते हैं। फिर ऐसा हुआ कि उस दिन सत्संग में वो अंजलि का फादर मदर और उसका हस्बैंड भी कहीं से घूमता घामता कार से पहुंच गया। तो महाराज इतने दयालु हैं कि सबकी बात सुनते हैं, सब पे कृपा करते हैं, और जो उसको जो टीवी थी वो टीवी को उन्होंने क्षण भर में खत्म कर दिया। ठीक है डॉक्टर को तो ये लगता कि उन्होंने डायग्नोस किया हुआ, हमें मालूम है महाराज जी का आनंद है। ठीक है आंटी आई थिंक जय गुरु जी, आई टेक सबको वही ही बना दूंगा। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद सभी संगत का, धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु महाराज का तो अनंतम शुक्राना है और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस और इतने प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर किए कि आपने मुझे तो एटलीस्ट और मेरे ख्याल बहुत दूसरी जो संगत कई को भी आपने पूरा एम्पायर स्टेट तो पहुंचा ही दिया, और कई बार आपने सिंगला अंकल का भी नाम लिया तो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने एम्पायर स्टेट का नजारा आ गया, गुरु महाराज बैठे हुए, हम सब संगत बैठे और सिंगला अंकल हमेशा सेवा में इतने प्यार से, तो बिल्कुल। और आपने जैसे कहा कि शुरू में अंकल मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि गुरुजी से जब हम मिलते हैं, गुरुजी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारे जीवन बिल्कुल में परिवर्तन बहुत ज्यादा आते हैं, कंप्लीट चेंज हो जाता है। मुश्किलें भी आती हैं पर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है और एक नजरिया दूसरों को देखने का और जीवन जीने का बिल्कुल बदल जाता है। तो ये बात आपने जो कही बहुत ही प्यारा मैसेज है, और कितने आपने इतने प्यारे मैसेजेस दिए कि वो टैक्सी के रंग का जो आपको वहम था, गुरुजी ने कैसे आपसे वो वहम दूर करवाया। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपने, जैसे गुरुजी भी कहते थे कि लीव द पास्ट, जो हो गया है छोड़ दो, आगे बढ़ो ते पॉजिटिव सोचो। That's a very, very important message to live a happy life. कि अगर हम अपने, चाहे हमारे कर्म हो चाहे किसी और के, अगर उसी में लगे रहेंगे so हमारे we are just inviting stress for ourselves. और जब हमारे पास गुरु जी हैं और जब वो हमें समझा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो और पॉजिटिव सोचो, तो कितना हमारा स्ट्रेस तो 90% तो गुरु जी ले लेते हैं,
चाहे कष्ट के रूप में हो, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। सो गुरु जी के साथ जुड़ने से हमें इतनी एक हमारी एक पॉजिटिव विटामिन पिल है, जब एवरी डे व्हेन वी कनेक्ट विद गुरु जी, और दिन जब हमारा शुरू होता है हमें पता है गुरु जी हमारे साथ हैं, सो मेनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स वी डोंट वरी अबाउट, और वो आके निकल जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे जीवन में जब गुरु जी हमें देते हैं। और इतनी अच्छी बात आपने अंकल एक और बताई कि गुरु जी की नजर में सब बराबर हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं। गुरु जी कहते थे आई डोंट सी द पर्सन, मैं तो सिर्फ, मेरे सामने एक सोल है, एंड सोल कब से कनेक्टेड है सिर्फ गुरु जी को पता है, इसका क्या स्टेटस है और उसके दिल के भाव प्यार कितना है गुरु जी के प्रति और मानव जाति के प्रति, वो सब गुरु जी जानते हैं, और गुरु जी की नजर में वही वैल्यू है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आपने फिर याद दिलाया हम सबको कि गुरु जी के लिए सब बराबर हैं, और गुरु जी के सिर्फ आपके कर्म देखते हैं और आपका भाव देखते हैं। और एक और बात आपने कही अंकल, जब गुरु जी की आवाज आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसको आती है वही समझ सकता है, और जो गुरु संगत है उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी कोई समझ भी नहीं पाता कि कैसे गुरु जी की आवाज आती है। बट इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जब गुरु जी की आती है आवाज, और उसके बाद हमें लगता है कि हमें गाइडेंस मिल गई है। तो और अनदर वेरी नाइस अंकल आपने बोला कि गुरु जी बिन बताए ही हमारा कल्याण कर जाते हैं। आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम और स्टमक की प्रॉब्लम कितने सालों से थी, बट आपको गुरुजी ने ना जताया और आपने कुछ साल बाद रियलाइज किया कि वो चीज गायब हो गई। सो इससे एक बहुत बड़ी सीख हम सबको मिलती है कि हम भी जब किसी का भला करते हैं या तो उस चीज को, हमें उस चीज का भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर हम किसी को और को भी ना बताएं, एक तो जताना नहीं चाहिए, और अगर ना भी जताएं अपने अंदर हमें थोड़ा बड़ा महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गुरुजी ने सिखाया है कि हमारे कष्ट कट रहे हैं किसी का भला करने से, सो दूसरे का भला नहीं, हम अपना भला करते हैं। किसी प्रकार की भी सेवा हमें मिलती है उससे हमारा ही भला होता है, हमारा ही कल्याण होता है। तो गुरुजी ने इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं, और अंकल आपने अपनी इतनी प्यारी जर्नी हमारे साथ शेयर की। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आप पर, आपके परिवार पे, आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, आपके कोलीग्स, और उनके फादर को देखिए, सिर्फ स्वरूप पहुंचा और गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। तो अंकल बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। गुरु महाराज आपको और आपके परिवार को सदा ब्लेस करते रहें। शुक्राना अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल जी। अनिल अंकल जी, शुक्राना भजन लगाएंगे अनिल अंकल जी। आपकी कृपा से सब